राजद का शासन काल जब आएगा तो उसके समर्थक जो है सो अति उत्साह में क्राइम करने को आतुर रहते हैं। क्राइम, करप्शन, कैश, वो लोग उसका इसी पर ये लोग चलता ही है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको इसका रिएक्शन भी मिलेगा, कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। उनका मूल स्वभाव में राष्ट्रीय जनता दल के क्राइम। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। बिहार में सातवें चरण के मतदान के बाद पाटलिपुत्र से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर हमला हुआ। पटना के मसौढ़ी के टेनरी गांव में रामकृपाल यादव की गाड़ी के सामने एक युवक ने फायरिंग की। हालांकि बीजेपी नेता पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि हमलावर स्थानीय लोग और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे। हार की घबराहट के कारण इन लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर आरजेडी की मीशा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले पर काराकाट लोकसभा क्षेत्र प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने आरजेडी की साजिश बताते हुए लालू यादव पर बड़ा हमला बोला है। पाटलिपुत्रा में अभी बीते कल जो चुनाव था, चुनाव के दौरान आपके प्रत्याशी जो थे रामकृपाल यादव, उन पर हमला हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये स्वाभाविक है। राजद का शासन काल जब आएगा तो उसके समर्थक जो है सो अति उत्साह में क्राइम करने को आतुर रहते हैं। उनका मूल स्वभाव में राष्ट्रीय जनता दल के क्राइम, क्राइम, करप्शन, कैश, वो लोग उस कास्ट इसी पर ये लोग चलता ही है। कम्युनलिज्म, ये इसी पर राजद का जो पूरा जो बेस है ना, पूरा पार्टी का जो बेस है, इन्हीं चीज़ों पर चलता है। तो वो होना स्वाभाविक था। उनको लगा कि शायद उनकी जो मीसा दीदी हैं, उनकी संरक्षिका, वो शायद जीत गई हैं, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। वो हारेंगे और रामकृपाल जी जीतेंगे अच्छे मतों से। लेकिन उस उत्साह में उन्होंने क्राइम कर दिया कि शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं होगा ऐसा भ्रम मत पालिए। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको इसका रिएक्शन भी मिलेगा, कानूनी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी।